फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी स्वेदी रूटीन शुरू हो गई है। तो स्वेदी रूटीन में मैं लेट उठी हूँ, तो पर मेरा काम सारा हो चुका, मैं नहा चुकी हूँ, तो अब मैं चाय बनाऊँगी और बाद में मैंने अपनी टेस्ट करवाने जाना है। तो खाने पीने का आजकल कुछ है नहीं है, क्योंकि व्रत वगैरह रखे हुए हैं, तो जो रात को सब्जी वगैरह रोटी वगैरह खा लेते हैं, बस उसी से पेट भर जाता है। पर वेट मेरा तेल खा कर भी इतना कम हो चुका है कि समझ नहीं आ रहा। तो आज मैं करवाने जाऊंगी टेस्ट, तो बताऊंगी कब जा रही हूँ। चाय मैंने रख दी है और एक साइड पर मैं करूँगी पैट कर लूँ, तभी पर ही कर लूँगी आज मैं, क्योंकि सिर्फ इन्होंने ही खानी है, तो और किसी ने वैसे कुछ नहीं लेना है, ना रोटी वगैरह खानी है। पहर को आके फुलका वगैरह खा लेंगे, तब तक मैं बनाती हूँ चाय। देखिए मैं कितनी पतली हो रही हूँ, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं कि नहीं? देखा, देखिए कोई कमी पेशी हो तो बंदा ठीक कर लेता है। चीनी डाल दी, इतनी चीनी नहीं डाली, 4 कप बना रही है मैंने चाय, इतनी डाली है मैंने, तो सुबह से चाय भी नहीं पी मैंने। पाठ करना है अभी, सारा दिन माता रानी का है तो पाठ करूँगी, तब तक चाय बनती है, मैं ब्रेड करती हूँ। ब्रेड को मैं करूँगी एसी कर, तवा मेरा गर्म हो चुका है। इनको आजकल देसी घी की ना जो प्लेट ऐसे करके ना गर्म करके बहुत अच्छी लग रही है, तो इनके लिए बना रही हूँ वो। पता नहीं मेरे को भूख नहीं लग रही है आजकल, तो मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा डाउन हो रहा है। पहले तो मेरा पेट काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था, तो वो भी मेडिसिन से हुआ था, मेडिसिन मैंने छोड़ दी, तो ज़्यादा वीक हो रही है। शरीर पर नहीं है, अपने फेस पर भी काफ़ी पड़ता है, तो चलो सैर भी आजकल मैंने छोड़ी हुई है, जाया नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा हूँ, तो वीकनेस ज़्यादा आ रही है, तो बस मेरा दायरा यहीं तक है किचन से बैठने का। तो कभी कभी खाना मैं बनाती हूँ, कभी कभी दीदी बनाती है, तो भूख नहीं लगती। सैर वगैरह भी करा ना, जिम वगैरह भी करा, मेरे को पक्खे तो नहीं रहा बंदा है ना, मैं इतना ज़्यादा ना परहेज कर सकती हूँ चीज़ों का, मैं खाना छोड़ दूँ, जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं खाना जरूर चाहती हूँ। कभी कभी कोई सब्जी इतनी अच्छी लगती है तो एक फुलका ज़्यादा खा रहा जाता है, बार बार हाथ धोने पड़ रहे हैं, क्योंकि अन्न वाले हाथ इधर ना लग जाए, इधर वाले हाथ फिर दोबारा धोने पड़ते हैं, क्योंकि मैंने भी चाय पी है। तो अब मैं सिर्फ डालूंगी चाय में अदरक, इलायची वगैरह कुछ नहीं डालना मैंने। पहले चाय के साथ हमने पंजीरी वगैरह बनाकर रखी हुई थी, वो 2 चम्मच ले लेती थी, अब वो ख़त्म हो चुकी है, बनाऊंगी दोबारा, तो लड़ गई रोस्ट हो गई है। अब इस पर मैं नमक लगा दूंगी और अपने काम पर जाऊंगी। खुशबू देसी घी की काफ़ी अच्छी आ रही है, तो मेरी चाय बनके हो रही है रेडी। चाय मेरी हो चुकी है रेडी, फिर 4 बॉइल्स और लगाऊंगी ताकि जो कड़क चाय बन जाए थोड़ी सी, और गैस साथ साथ साफ कर रही हूँ, क्योंकि रात को जब पूरी बनाते हैं ना व्रत वाली आलू डालकर, तो इसके छींटे इतने ज़्यादा पड़ जाते हैं, मेरे को रात को ही सेल्फ और जो चीज़ यहाँ तक ना पूरा साफ करना पड़ता है साबुन लगाकर, क्योंकि वो जो पीनट ऑयल है ना उसका जो क्रीसी सा है, तो सारे छींटे वहाँ तक फैल जाते हैं, डिब्बों तक, तड़का लगाते हैं दीदी। तो अब मैं इनको देती हूँ चाय,
दीदी और बेटे मंदिर गए हैं, वो आने वाले हैं तो आकर चाय पीएंगी। तब तक मैं चाय पीकर थोड़ा सा अपने आप को तसल्ली दे रही हूँ। अज जाना सी असी स्पा करवाने वास्ते, पर सवेर तीन दी बारिश हो रही सी कि मौसम काफ़ी ख़राब सी ते उदे करके शाम ही हो गई। 4:30 बज गए असी स्पा करवाने लई जा रहे हैं ते स्पा करवा के काफ़ी रिलैक्स फील हुई है ते अच्छा लग रहा सी ते करवाना चाहिदा यार, अपनी केयर भी रखनी चाहिए। फर्स्ट टाइम मैं करवाया स्पा जिहड़ा, मैनू बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हैगा ते स्ट्रेस जिहड़ी सी उह कट गई हैगी ते अच्छा लग रिहा वा। करवाना चाहिए वा, जिहड़ी डेड स्किन हुंदी ना बालों की, जो भी गंदगी वगैरह हुंदी उह निकल जांदी आ ते ग्रोथ विच हुंदा सही हुंदा। बाकी तुहानूं पता ही आपे लगा लईओ की कहिणा तुसीं कि मैं कितें, मैं तां फिर फर्स्ट टाइम करवाया ते हुण मैं करन मलाई पई सी वह कर लगी हाँ, तो सब्जी दीदी ने बना ली है तो फुलके बनाऊंगी मैं, तद तक मैं मलाई का काम कर लेना। अच्छा ठीक है, सर काम निपटा सो क्योंकि सी चिलर विचों मलाई कटी सी वो ही रह गई सी, मैं वह काम भी खत्म कर देना तो कल जाने की तैयारी करनी है। इस नाल ही काफ़ी टाइम हो गया, हूँ तेरे तो विदा लैनी है। जो तुम्हें मेरा ब्लॉग पसंद आया लाइक शेयर कमेंट करना सबसक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।